हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक CUV 500 के ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का रिव्यू करेंगे। सो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यहां से सारे लाइटिंग के ऑप्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं गाड़ी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स पे है, तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन गाड़ी के हेडलैम्प्स ऑन हो जाएंगे। अगर आप डे टाइम पे गाड़ी चला रहे हैं और अगर आप एक टनल के अंदर जाते हैं तो वो अपने आप ऑन हो जाते हैं। फिर यहाँ से ऑफ कर देंगे तो अभी सिर्फ आपके DRL चलेंगे। उसके बाद अगर आप एक और मतलब स्टेप ऑन करते हैं तो यहाँ से भी सिर्फ आपके DRL से चलने वाले, पर ये डे टाइम वाले होंगे आपके। इसमें आपको मैं रात की लाइटिंग भी दिखा देता हूँ। ये आपका सेंटर कंसोल ऐसे लगता है, देन आपका सिस्टम ऐसे होता है। ये बंद कर देते हैं हम। उसके बाद ये आपके यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग विथ, यहाँ पे आपके सारे डोर्स में कंट्रोल्स आ जाते हैं मिरर्स के। उसके बाद रात को आपका इंस्ट्रूमेंटल पैनल कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल वाले लाइट्स कुछ ऐसे मिलते हैं। यहाँ पे आपको सारे डोर्स पे एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, नहीं तो आपको नीचे भी एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी गाड़ी में, एंड इस साइड भी आपको मिल जाएगी। फिर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे भी आपको मिल जाती है एम्बिएंट लाइटिंग, इसी तरफ भी। ये आपका बीच में ऊपर आपके सनरूफ के कंट्रोल के साथ एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद ये आपके पुश बटन इग्निशन के मतलब लाइट ऐसे जलती है। देन उसके बाद अगर हम अंदर देखें तो यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है ग्लव बॉक्स के अंदर, और ये आपके लाइट्स है जो कि बहुत ब्राइट है। पीछे भी आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाते हैं, एक यहाँ पे एक आपका ये डोर वाला हो जाता है एंड एक और आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं गाड़ी में बहुत रोशनी बढ़ जाती है। उसके बाद यहाँ से अभी हम हाई बीम ऑन कर देंगे गाड़ी का, तो हाई बीम यहाँ से ऑन हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं लो बीम है, अभी हाई बीम कर दूंगा तो हाई बीम आपका हो गया ये। उसके बाद अगर आपको अपने फॉग लैंप्स ऑन करने हैं तो यहाँ से अपने फॉग लैंप्स ऑन कर सकते हैं, तो अभी आपके फॉग लैंप्स भी ऑन होंगे। अभी आपको अभी एक और बार दिखा देता हूँ, अभी आपको फॉग लैंप्स ऑन करके दिखाते हैं। फॉग लैंप्स ऑन हो जाएंगे आपके, एंड आपकी का अभी मैंने स्टेयरिंग घुमा दिया तो आपको यहाँ पे कॉर्नरिंग लाइट्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद अभी मैं लाइट्स को ऑटोमेटिक पे सेट कर देता हूँ। यहाँ से आप जैसे ही फ्रंट वाला फॉग लैम्प ऑन करेंगे तो आपका पीछे वाला फॉग लैम्प भी अपने आप ऑन हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक बार इसकी एक्सटीरियर की फोटो दिखा देता हूँ कैसी लगती है। ये आपके यहाँ पे लाइट्स हो जाते हैं, देन ये आपके लाइट्स दिखते कुछ ऐसे सामने से, आपके DRLs, आपके प्रोजेक्टर्स, आपके कॉर्नरिंग वाले लैंप्स और आपके हाई बीम वाले लैंप्स। उसके बाद हम अगर इस गाड़ी के रियर वाले में चले जाते हैं तो कुछ ऐसा लगता है आपको रियर में दिखने में, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और ऊपर आपका स्पॉइलर आ जाता है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट पे लाइट्स मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग मेरे को बताइए कैसी लगी आपको XUV 500 का ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का रिव्यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। और अगर कोई भी आपको गाड़ी के रिगार्डिंग डाउट रहता है तो आप बिना किसी हिचकिच के मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।